हम डकैत हैं, हम बिना पूछे कहीं भी घुस सकते हैं और वो सारे काम करेंगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच लिए, न गाड़ का 10,000 फीट गहरा कुआ कब बन जाएगा तुझे भी पता नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम फिल करने वाले आमिर भाई की एक और कॉमेडी वीडियो में रिएक्ट, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में पूरा नहीं कर पाते, इसको पूरा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ना पूछे घर के अंदर घुस जाए, कोई दिक्कत तो ना होगी। अबे दिलावर पागल है क्या, अब हम डकैत हैं, हम बिना पूछे कहीं भी घुस सकते हैं और वो सारे काम करेंगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच लिए, न गाड़ का 10,000 फीट गहरा कुआ कब बन जाएगा तुझे भी पता ना चलेगा। सरकार जो कहेगी वो हम सब करेंगे, भाड़ो आ। ए, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कौन हो तुम? मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये तेरा फूफा और ये होने वाला दामाद है तेरा। तेरी बहन की छिनाल मारू तमंचे वमंचे हाथ में, तू दिखाई ना दे रही। तेरे घर में डाका डल चुका है, डकैत हैं हम। जाके पूरे घर के सोना चांदी पैसा जो भी हो निकाल के लाओ, इतने में ही नहीं देखता हूँ। सुनो, हमारे घर पे डाका डालना जरूरी है क्या? चाहे तो कुछ और लूट लो। दिलावर देख, ध्यान भटका रही है मेरा, इसका यही नींबू निचोड़ दूंगा। यही तो गलती करते हैं हम लड़के, काम के वक्त लड़कीबाजी में घुस जाते हैं, इसीलिए हम बर्बाद रहते हैं। पहले पैसा लूट, उसके बाद इसकी इज्जत लूटेंगे। और तू ऐसी वैसी लड़की मत समझना, बहुत अच्छे परिवार से हूँ मैं। हाँ दिख गया, कितने अच्छे घर से है तू। ये दोनों चूजे किसके हैं? ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। एक इतना काला और एक इतना गोरा, इन दोनों को देख के साफ पता चल लिया कितने नलों का पानी पी चुकी है तू। जल्दी से पूरे घर को साफ करो फटाफट। दिलावर, दिलावर कम 10-12 लाख कमाल है, घर की सारी कीमती चीजें और सोना चांदी चुरा के लाया हूँ। दिलावर सही कह रही था तू, पहली झटकी में हम मालदार हो गए, कम 7-8 लाख रुपए का कैश है। कहा था ना मैंने, बस तुम मेरा साथ दो, मालदार करना मेरा काम है। कुछ रहा तो नहीं? अरे रहा तो कुछ नहीं, बस एक 500 का नोट रह गया। मैंने कहा हट साले, बहुत पैसा अब हमारे पास, 500 का नोट नहीं चाहिए, चलो। कहा? अरे अड्डे पे चलो, पैसा बंटवारा करेंगे। कहा है वो 500 का नोट? दराज में लाला झूरी बला होती है भाई। आजा बेटे आजा, तेरा इंतजार था। भाई आज तुम्हारी गांव में किसी का कीड़ा ना होता ना, तो आज पहली चोरी हमारी सक्सेसफुल हो गई थी। अबे 8-10 लाख रुपए तो मेरे पास थे कैश, वो भी, और 8-10 लाख रुपए का सोना चांदी इस पे था, मजा आ जाता। यार इसमें मेरी कोई गलती ना है, इसकी है गलती। देख कैसा केवड़े की तरह बैठा, इनने केजीएफ क्यों दिखाई मुझे,
तीन तीन बार दिखा के आया। बाकी तू पुलिस की टेंशन मत लेना, ये कुछ नहीं कर सकते तेरे भाई का जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनकी औकात क्या है यार, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। अच्छा हाँ, कुछ नहीं कर सकता कुछ भी। तू जैसे मुझे लेके जा रही है ऐसी ही वापस छोड़ के जाएगा, और खाना अलग खिलागा मुझे, तेरी इतनी औकात नहीं है मेरे सामने, समझा? बेटे कुछ ज्यादा ना बोल लिया तू। अबे इसे बता मैं उल्टा बोल ही नहीं रहा हूँ, तेरे ही थाने में तुझे उल्टा लटकाऊंगा अभी, चल तो सही। उल्टा डायलॉग इतना लंबा लगवा नहीं। लटकागा उल्टा लेकिन बेटा शुक्र है हम जिंदा तो है कम से कम। बच गए, बस गाल गाल कुटी है अपनी, कोई टेंशन की बात ना। अबे चुप साले, तेरी वजह से ही तो यहाँ फंसे हम। एक तो तूने चोरी करते हुए नाटक कर दिया, ऊपर से दरोगा जी से कह रहा है कि उल्टा लटका दूंगा तुम्हें, अब जेल। यार दिलावर भाई मुझे यहाँ से निकालो यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। ये पीछे भाई सब बैठे, इनसे बात कर लो यार, क्या पता इनकी कुछ बात हो, सिफारिश लगभग हमें छुड़वा दें यार। नहीं फालतू हो गया बार बार। बे चल, इनकी कोई औकात थोड़ी हो बे, इसकी तो और उल्टा मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी तब दरोगा सरोगा बन सके। तो उल्टा बोलने की जरूरत ना। ये तो हमें कुत्ते की तरह धो रहा है, और ये सब हो रहा है इसकी वजह से। इसने उस टाइम भी ऐसी करा और अब भी ऐसी करा, अपने साथ साथ साला हमें जरूर फंसवाएगा कुत्ता। सही कह रहे हो यार तुम, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, मैं ही तो फंसवा रही हूँ तुम्हें, पहले भी और अब भी। सारा शौक मेरा, पैसे कमाने का, डकैत बनने का, नाम कमाने का, तुम नाजायज क्यों फंसोगे यार? टेंशन मत लो, दरोगा जी से अभी बुला के उनसे साफ साफ सच सच बता दूंगा उन्हें कि सारी गलती मेरी है, सारा इल्जाम अपने सर पे लेके तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। तुम दोनों जाओ और अपनी जिंदगी जीना, सारा इल्जाम तुम्हारा भाई ले लेगा यार, टेंशन मत लो। यार भाई तू इतना अच्छा भी है दिल का? अरे नहीं यार क्या अच्छा, गलती जब मेरी है तो मैं ही तो फंसूंगा ना, तुम्हें क्यों फंसाऊंगा। बदमाशी करोगे, डकैत बनोगे मेरे एरिया में, ये बताओ सालो तुम में से सरदार कौन है? दरोगा जी, ये बीच वाला। अबे क्या कह रिया है? देख भैया आप सच बताना पड़ेगा दरोगा जी को, अब सच नहीं छुपेगा। ऐसे बात है दरोगा जी, मैं आपको बता दूं, मैं उल्टी दस्त की दवाई लेने जा रही हूं, मुझे हुए पड़े, चल चेक कर लो। तो ये रास्ते में रोक के मुझे बोला मेरे साथ चल 500 रुपये दूंगा। मैंने कि चलो 500 रुपये कमा लेंगे, दवाई बाद में ले लेंगे। मैं इसके साथ आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं मैटर क्या, तुम ये तो छोड़ ही दोगे तो फायदे में रहोगे दरोगा जी। जेल तो बेटा अब तुम तीनों को ही होगी, लेकिन उससे पहले इस सरदार की गांड में ऐसा डंडा करूंगा मैं, ताकि ये आगे को कोई गलत काम ना कर पाए।